आज हम कर रहे हैं आईके आपके स्विच। क्या होता है जब हम वॉक साइकिल बनाते हैं तो हमें हाथों में फॉलो थ्रू देना पड़ता है, और फॉलो थ्रू आईके के थ्रू बड़ी मुश्किल आती है और एफके के थ्रू बहुत इजीली हो जाता है। फॉलो थ्रू मींस जब एक बोन बढ़ेगी आगे तो उसकी अगली बोन उससे भी आगे बढ़ेगी। जब एक बोन चली उसके थोड़ी देर बाद दूसरी चली, थोड़ी देर बाद तीसरी चली, उस फ्लेक्सिबिलिटी को बोलते हैं फॉलो थ्रू, जो एफके के थ्रू इजीली आ जाता है। तो जब आपको वॉक साइकिल बनानी है तो एफके यूज करना है, और जब आपको कोई धक्का देते हुए या फोर्स लगाते हुए सीन बनाना है तो आईके यूज करना है। तो दोनों आपके कैरेक्टर में होना जरूरी है, आईके स्विच एफके स्विच। आईके एफके स्विच बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर दो बार करोगे आपके लिए वो इजी बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेके एक हैंड पे आपको बता रहा हूँ। तो क्या करूँ, बॉन्स ले लो यहाँ से, अब मेरे पास एक है फोरआर्म रिस्ट हैंड पाम, ठीक है, तीन बॉन्स मैंने ले ली। नाम दे दो और आम स्किन, तीन बोन्स लेनी पड़ेगी आपको, एक स्किन, रिस्ट अंडरस्कोर स्किन, स्किन ठीक है। अभी जो आपने लिया इसकी चार कॉपियां ले लो, मतलब तीन को दो कॉपियां और ले लो। एक में क्या लिखा है, स्किन, कंट्रोल डी लेयर बना के हाइट कर दो, कंट्रोल डी लेयर बना के हाइट कर दो, और से न्यू लेयर में। अब देखो आपके पास उसी हाथ की तीन कॉपियां, एक कॉपी एरी, ये मान लो स्किन वाली है, ठीक है, इस पे सब स्किन वाली है। ठीक है, ये सब स्किन वाली है। फिर से ले रहा हूं, फिर बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। मेरे पास एक पूरा हैंड है, फोरआर्म रिस्ट हैंड एंड फिंगर। इस पूरे हैंड की कॉपी हटानी पड़ेगी हमें पहले, ठीक है, वो थोड़ी कॉपी मिस्टेक बाय मिस्टेक हो गई थी, मैंने हटा दी। हमारे पास एक पूरा हैंड है, फोरआर्म रिस्ट हैंड और फिंगर। आप इसकी एक कॉपी लो और इसे न्यू लेयर में डाल दो और नाम दे दो, मान लो आईके। फिर इसकी एक और कॉपी लो और इसे न्यू लेयर पे डाल दो और नाम दे दो एफके। स्किन वाली लेयर में इस वाली जो बोन्स है इसमें सबका नाम दे देना एफके। ये सारी चीज आप एक बोन पे भी कर सकते हो, तीन लेने की जरूरत नहीं है।
और वो तीन बोन में ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है रिंग, आई के एफ की स्विच बनाना थोड़ा अलग हो जाता है, कभी कभार रिगिंग खराब हो जाती है, तो तीन बोन्स पे बनाने में इजी रहता है, तो इसको मैंने नाम दिया एफ के, इसको मैंने नाम दिया आई के, हर हिरार्की में तीन हिरार्की है और तीनों हिरार्की में चार चार बोन्स हैं, इसमें स्किन है, ठीक है, चेक करते हैं आउटलाइनर में कितनी हिरार्कीज है, तीन हिरार्कीज हो गई, स्किन आई के एफ के, यहां तक सिंपल है। अब आपको क्या करना है, कंट्रोलर्स बनाने, ठीक है, मान लो ये हम बना रहे हैं एफ के लिए, वी फॉर स्नैप, कॉपी ले ली कंट्रोलर से, एफ के और इनको कर दो फ्रिज, तीन कंट्रोलर्स आ गए, स्नैप करना मत भूलना, अब ये तीन कंट्रोलर हमने ले लिए, इन तीनों कंट्रोलर को बोन का पेरेंट बनाना है, तो कैसे बनाओगे, ये सेलेक्ट किया, बोन सेलेक्ट की, डाल दिया ओरिएंट, ठीक है, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया जी फॉर ओरिएंट, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया जी फॉर ओरिएंट, अब देखोगे इनको रोटेट करने पे बोन रोटेट हो पा रही है, अब इसको इसका चाइल्ड, इसको इसका चाइल्ड, अब रोटेट कर रहा हूं तो देखो पूरा हाथ फॉलो थ्रू दे रहा है जो वॉक साइकिल में देना चाहिए, समझ आया, हमारा बन गया एफ के, ठीक है, एफ के बन गया, इन कंट्रोलर्स को भी इसी में डाल दो, एफ के कंट्रोलर इसमें आ गया, समझ आया, अब हमें बनाना है आई के, आईके के लिए कंट्रोलर ले लेते हैं, स्फीयर ले लेते हैं, कुछ भी ले लो वो आपकी मर्जी है, ये ले लेते हैं, हैंड कंट्रोलर आई के, आई के वाली लेयर में डाल दिया, देखो ये लेयर बाद में डिलीट कर देंगे, अभी सिर्फ हम इजिली सबको ऑन ऑफ कर सके इसलिए लेयर में डाला है, नहीं तो लेयर का कोई मैटर नहीं रिगिंग के अंदर। अब हमें लगाना है आई के, आई के लगाने के लिए क्या करना, ये वाली आई के ऑन करना, स्केल्टन में क्रिएट आई के हैंडल टूल, आपको लेना है रोटेट प्लानर और देन फोरआर्म बोन पे क्लिक,
रिस्ट बोन पे क्लिक करें। अब देखोगे आईके के थ्रू आप बोन को रोटेट कर पा रहे हो। इस आईके को इसका चाइल्ड पी, समझ आ गया, हमारा आईके भी बन गया। और मेन बोन्स तो ये वाली थी ना, इस पे तो कुछ भी नहीं आ रहा, इस पे तो कुछ भी नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं आईके एफके की जो पावर उन बोन्स पे आ रही है कॉपी वाली बोन्स पे, वो सब इस पे डाइवर्ट हो जाए। तो डाइवर्ट करने के लिए हमारे पास आता है पॉइंट कंस्टेंट, पॉइंट या पेरेंट दोनों में से कुछ भी यूज करो, पॉइंट यूज कर लेते हैं। पहले हम स्विच बना लेते हैं, ऑन ऑफ स्विच। ये मान लो ऑन ऑफ स्विच है। आई के ऑन ऑफ का स्विच है ये, तो इसमें ट्रांसलेट रोटेट विजिबिलिटी काम की नहीं है, लॉक कर दो। देन लॉक करके चैनल कंट्रोल में जाके हाइड मार दो। अब इसमें हाइड करने से, अरे अब इसमें हाइड करने से कुछ भी नहीं आ रहा, हमें अपना बनाना है। एड एट्रीब्यूट इनम बनाना, इनम मींस ऑन ऑफ, इनम क्या होता है अभी पता चल जाएगा। इनम मतलब जैसे वेबसाइट्स के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है ना, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया इनम, समझ आया। अब मैं चाहता हूं ऑफ करने पे आई के ऑन हो जाए, और ऑन करने पे आई के ऑन हो जाए, ऑफ करने पे एफ के ऑन हो जाए। तो आपको क्या करना है, पहले तो इनकी विजिबिलिटी से खेलना है, इनकी विजिबिलिटी। ये जब ऑफ हो तो ये तीनों कंट्रोलर दिखे और ये अपने आप हाइड हो जाए। तो हमें क्या करना है, ड्राइवन की के थ्रू, ड्राइवन की लो, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी विजिबिलिटी, ओनली विजिबिलिटी, और इसका स्विच, इसका स्विच और इन दोनों की विजिबिलिटी। मैं चाहता हूं इसमें जब ऑन आए ना तो कौन होना चाहिए, ये ऑन होना चाहिए, वो ऑफ होने चाहिए, तो उसको ऑफ कर दो, की कर दो। जब ये ऑन हो तो ये दिखे, वो अपने आप हाइड हो जाए। तो मैंने विजिबिलिटी ऑफ कर दी और की कर दिया। और जब ये ऑफ हो तो ये ऑफ हो जाए और ये ऑन हो जाए की। अब देखो क्या कमाल हुआ होगा, ऑफ पे ये आ रहा है, ऑन पे ये आ रहा है ना, मजेदार चीज। तो आप स्विच स्विच ओवर बना सकते हो इजीली। अब जैसे विजिबिलिटी की है ना, अब ऐसे ही जो पॉइंट कंस्टेंट का डाइवर्जन होगा वो भी स्विच ऑफ कर देंगे, स्विच ऑन ऑफ कर देंगे। अब मैं चाहता हूं कि जो एफ के आई के का वेट है, जो एफ के आई के का वेट है, पहले एफ के वाली बोन्स का वेट स्किन वाली बोन पे डल जाए। तो कैसे डालना है, देखो
स्किन वाली बोन्स का आप कलर चेंज कर सकते हो। कैसे? स्किन वाली लेयर को मान लो ब्लू कर दो, उसकी बोन्स भी ब्लू हो जाएगी। आई के वाली बोन क्या है? वही ऑरेंज, पिंक कर दिया मैंने। एफ के वाली बोन्स को रेड कर दिया मैंने। तो अलग अलग कलर आ रहा है, पता चल जाएगा कौन सी क्या बोन है। अब मुझे पहले हम काम करते हैं, आई के वाली बोन का वेट स्किन वाली बोन पे डाइवर्ट कर देते हैं, मतलब आई के वाली बोन मुड़े तो स्किन वाली भी मुड़े। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां तक आज इस सेशन में कर रहा हूं, इसके नेक्स्ट जो स्विच ओवर होगा वेट का वो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे।